अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दोस्त ने हमें कमेंट करके बताए थे, कुछ दोस्त ने ओवरलॉक का धागा तीनों अलग करके फिर से हमें डाल के दिखाई है कैसे कैसे डाला जाता है, उसका धागा का सेटिंग कैसे किया जाता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मैं तीनों धागा अलग कर दिया हूँ, ये देखिए ये तीनों धागा अलग हो गया। सबसे पहले हम ऊपर वाले धागा डालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ डाल, अब साइड कट डालेंगे, ये देखिए ये साइड कट आएगा ये हॉल में, क्या करेंगे इधर से हम इसको खींच लेंगे धागा को। अब ये देखिए ये जो हॉल है इसमें अभी यहाँ पे आ रही है, ये चुमटा से ऐसे पकड़ के खींच लेंगे, इसके अंदर डालेंगे ये चुमटा से ये धागा को, ये साइड खींच लेंगे, इसमें इसमें धागा फंसेगी, अब ये हॉल में जाएगा, यहाँ पे एक हॉल है, अब ये वाले हॉल में डालेंगे धागा, ये भाई साहब कुछ काफ़ी दिन पहले कमेंट किए थे लेकिन मेरा ध्यान से उतर गया था, इसकी वजह से मैं बताया नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ। तीसरा ये ऊपर से यहाँ पे डालेंगे, फिर इसके बाद ये हॉल में इसमें डालेंगे, ये इसमें फंसा लेंगे, एक इसमें फंसा देंगे, फिर उसके बाद ऐसे फंसाएंगे, फंसाने के बाद यहाँ पे एक गिड़ा मार लेंगे, गिड़ा मारने के बाद ये ऐसे गीढ़ा मार लिए, अभी देखिए गीढ़ा मारने के बाद ऐसे खींच लेंगे, ये गीढ़ा अंदर आ गया, ये धागा को तोड़ देंगे, इसमें डालेंगे,
चुमटा से खींच लेंगे। अब कपड़ा पे हम ऐसे खाली चलाएंगे इसको, पहले हल्लू हल्लू चलाएंगे। ये देखिए सिलाई सही नहीं आ रही है, तो सिलाई हम इसको यहाँ से मिलाएंगे, ऊपर से को टाइट करेंगे, फिर सिलाई मार के देखेंगे। इसको और टाइट करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, धागा ज़्यादा ख़राब आ गई है तो ये जो है ना एक धागा निकाल देंगे, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लेंगे, यहाँ इसको छोड़ देंगे। अब देखेंगे सिलाई करके, ये देखिए ये देखिए अब सिलाई सही आ रही है। अब पहले का सिलाई देखिए कैसा आ रहा है, ऐसा खींचा हुआ आ रहा है। अब भी का सिलाई कैसा आ रहा है। अगर आपका टांका भी छोड़ रहा है ना तो इसको ढीला कीजिएगा, कभी कभी सिलाई का ये धागा टाइट भी रहता तो यहाँ खींच लेता धागा, यहाँ से धागा खींच लेता है ये वाले सुई से। ये धागा अगर ज़्यादा टाइट रहा तो टांका कहीं कहीं पर टांका छोड़ देती है, तो आप इसको ढीला कीजिए, टांका छोड़े तो इसको ढीला कीजिए तो ज़्यादा बेहतर सिलाई अच्छा आएगी। ये देखिए